गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। इसमें जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक सर्किट क्वेश्चन, सर्किट का क्वेश्चन है। राइट द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो ये आपको सर्किट दिया हुआ है, इसकी आउटपुट आपको निकालनी है। अब ये जो सर्किट है यहाँ पर, ये देखिए, इसमें तीन वेरिएबल्स यहाँ पर है इनपुट में, ए बी और सी। सो ए बी और सी है। अब यहाँ पर ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ए है तो इसकी इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार, इसी तरह से इसकी इनपुट बी है तो आउटपुट बी बार, और ये सी बार यहाँ पर। और यहाँ पर ये एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट दोनों ऑपरेशंस को एंड ऑपरेशन करेगा ये। तो यहां पर देखिए आप, यहां से ए और यहां से सी, तो इस ये जो एंड गेट है इसकी जो आउटपुट है वो होगी ए सी। इसी तरह से ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट के अंदर देखिए आप इनपुट क्या है, यहां से बी है और ये कंप्लीमेंट हो गया बी बार, और इधर से ये ए बार, तो इसकी जो आउटपुट होगी ए बार बी बार। इसी तरह से ये जो एंड गेट है, इसमें आपके पास यहां से बी बार, क्योंकि यहां पर नॉट गेट लगा है, और ये सी बार, तो आउटपुट होगी इसकी बी बार सी बार। और यहां पर ये और ऑपरेशन हो रखा है, तो यहां पर और ऑपरेशन जितनी भी ऑल द थ्री इनपुट्स ए सी ए बार बी बार बी बार सी बार, इन तीनों का इन तीनों पे और ऑपरेशन हो जाएगा, तो आउटपुट आपका आएगा एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार। तो इसी तरह से आप और दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आना श्योर होता है। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉज में काफी सारे लॉज हैं, मैं उनमें से एक लॉ डिस्कस कर लेता हूं, तो बाकी आप बुक से खुद ही उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टेट द अब्सॉर्प्शन लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड वेरीफाई अलजेब्रिकली। तो ये क्वेश्चन है मान लो, तो अब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है। अब्सॉर्प्शन लॉ में दो पार्ट है आपके, फर्स्ट एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। मतलब जैसे नाम से क्लियर है कि एब्जॉर्ब, यहां पर देखिए जो वाई वेरिएबल है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो वाई वेरिएबल यहां से एलिमिनेट हो गया आउटपुट से। अब इनको प्रूव कैसे करना है, प्रूफ फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। एलजेब्रिकली हमको करना है, ट्रुथ टेबल से नहीं करना है यहां पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस एक्स वाई, यहां पर हम एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट वन और एक्स डॉट वाई यहां पर। उसके बाद हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ गया वन प्लस वाई, और वन में हम किसी भी वेरिएबल को अगर ऐड करें तो हमारा जो आउटपुट है वो वन आएगा, यहां पर वन होगा। तो ये देखिए यहां पर x दो x वन प्लस वाई आपका वन हो जाएगा, तो बिकॉज वन प्लस एक्स इज वन, मिस्टेक है यहां पे वन आएगा, और आपके जो आउटपुट है वो एक्स, फाइनल आउटपुट जो है आपका। सेकंड पार्ट आप देखिए इसमें, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे इसमें, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स डॉट एक्स और एक्स डॉट वाई, और एक्स डॉट एक्स इज एक्स, आइडेंपोटेंट लॉ है आपका कि किसी भी वेरिएबल में हम सेम वेरिएबल से उसका अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। सो एक्स प्लस एक्स वाई यहां पर हो गया, यहां पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन ले ब्रैकेट के अंदर बचा वन प्लस वाई, और वन प्लस वाई इज अगेन वन, वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बिकॉज एनी वेरिएबल एडेड टू वन इज वन। सो
फाइनल आउटपुट इज एक्स। थर्ड है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए आ जाता है तो एल्जेब्रिकली उसको तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं। प्रूव करना है आपको एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड एल्जेब्रिकली, तो इसको आपको प्रूव करना है। ये इसका प्रूफ है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो दोनों को हमें एंड ऑपरेशन करना है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड पे। तो वन बाय वन एक्स डॉट एक्स यहां पर आ गया, एक्स डॉट जेड यहां पर आ गया, वाई डॉट एक्स यहां पर आ गया, वाई डॉट जेड यहां पर आ गया। अब एक्स डॉट एक्स इज एक्स, आइडेम्पोटेंट लॉ का हमने यूज किया है, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल हो गई है, यहां एक्स डॉट जेड हो गया, बाकी सब सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर एक्स कॉमन आ गया तो यहां पे वन बचा, यहां पे जेड, और वन प्लस जेड अगेन वन के इक्वल है, बिकॉज वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन होगा, यहां पर बाई मिस्टेक यहां पर एक्स लिखा हुआ है, तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, ऐसे यहां पर भी वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन है। तो यहां पर वन प्लस जेड वन हो गया, तो एक्स यहां पर एक्स हो जाएगा और बाकी आपका सेम एक्सप्रेशन यहां पर रहेगा। सिमिलरली इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई बचेगा, और वन प्लस वाई इज अगेन वन, तो एक्स प्लस वाई जेड का जो फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।